सत्य के साथ। भारतीय नौसेना ने महिलाओं के लिए खोले विशेष पल। भारतीय सेना के लिए ऐतिहासिक में पहली बार महिलाओं को कमांडो के तौर पर काम करने का मौका मिलेगा। जल्दी इसकी आधिकारिक घोषणा होने की संभावना है। भारतीय नौसेना ने अपने एलीट स्पेशल फोर्सेज में महिलाओं को शामिल करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया। पहली बार महिलाओं को सेना में कमांडो के रूप में सेवा देने की अनुमति दी गई है। भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने मीडिया को ये जानकारी दी। अभी तक फैसले की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इस संबंध में जल्दी एक ऐतिहासिक घोषणा होने की संभावना। सेना में पहली बार महिलाओं को कमांडो बनाने का मौका मिला है। थल सेना, नौसेना और वायु सेना के विशेष बलों पे कमांडो को कठोर प्रशिक्षण दिया जाता है। यह कमांडो विशेष और गुप्त ऑपरेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। अभी तक कमांडो के लिए केवल पुरुषों को ही अनुमति दी जाती थी, लेकिन अब भारतीय नौसेना ने महिलाओं को भी कमांडो बनाने का मौका देने जा रहा है। महिलाओं के लिए मार्कोस बनने का मौका। अब अगर महिलाएं ट्रेनिंग के बाद मापदंड पूरा करती है तो उन्हें नौसेना में मरीन कमांडो यानी मार्कोस बनने का मौका मिलेगा, लेकिन किसी को भी सीधे स्पेशल फोर्सेज में शामिल नहीं किया जाएगा। महिलाएं कमांडो को वॉलंटियर के तौर पर काम करना होगा। एक अधिकारी के सूत्रों के मुताबिक अगले साल होने वाली अग्निवीर भर्ती में भारतीय सेना में शामिल होने वाली महिलाएं, अधिकारी और नाविकों को मार्कोस प्रशिक्षण में अनुमति दी जाएगी। समुद्री कमांडो भारतीय नौसेना के विशेष बल कमांडो है। नेवी में मार्कोस को कई स्पेशल मिशन के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। ये कमांडो समुद्र, हवा और जमीन में खास मिशन के अंजाम देते हैं। ये कमांडो दुश्मन के सैन्य ठिकानों पर हमला करते हैं और विशेष डाइविंग ऑपरेशन जैसे गुप्त मिशन को अंजाम देते हैं। समुद्री क्षेत्र में आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रहा है और उन्हें कड़ी प्रतिक्रिया दे रहा है। फिलहाल कुछ मार्कोस कश्मीर के बोलम झील इलाके में तैनात है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी न्यूज वायरस। सत्य के साथ।